कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी इलाके में प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक युवक ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गई। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हमला करने वाला नीलेश दास उर्फ कालू सीतामढ़ी बल्ली कुआ में निवास करता है। बताया जा रहा है कि वह 16 वर्षीय नाबालिग से उसका प्रेम प्रसंग है। वहीं दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि वह गुस्से में आकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवक ने 6 से 8 बार नाबालिग पर वार किया, जहां उसके हाथ और अन्य जगह पर गंभीर चोट आई। यह भी बात सामने आई है कि युवक आदतन नशेड़ी था और गांजा और नशीले दवाओं सहित अन्य नशा करता था। नशे का आदी है और हमेशा नशे की धुत में रहता है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी देते हुए आरोपी युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जा रही है। बताएंगे अभी क्या मामला आया है, क्या जानकारी मिला है आपको? मोहल्ले में बहुत नशा पानी है, लड़के लोग घूमते रहते हैं दिन भर। आज क्या पानी करते हैं, गोली खाते हैं, दारू पीते हैं, पूरा छोटे छोटे लड़के लोग, ये नशा पानी पूरा बंद कराना है। आज क्या हुआ है मोहल्ले में? गोली खाया था लड़का, उसको चाकू मार दिया लड़की। क्या नाम है इन लोग? नाम कालू बोलते हैं घर में। अच्छा, नशेड़ी है? नशेड़ी। कितने समय की घटना है? मेरे मालूम नहीं, मैं कोई घर में रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं पता चला तो मैं गया वहाँ पे। मैं कैसे पता चला कि इसको चाकू मारा है? क्या कारण सामने आ रहा है? कारण मालूम? प्रेम प्रसंग का मामला बता रहा? हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला है। मतलब प्रेम चल रहा था बहुत दिन से, ऐसा कुछ है। मैडम, कोतवाली क्षेत्र में चाकू का मामला है, क्या बता रहा है? कल रात को सीतामढ़ी क्षेत्र अंतर्गत थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि एक नाबालिग बच्ची को नीलेश दास नाम के युवक ने चाकू से मारा है, जिसमें 109 का अपराध कायम कर मुद्दत कार्रवाई की जा रही है। मामला क्या था मैडम, चाकू मारने का उसका कारण क्या था? अभी उसको विवेचना में है, जैसा भी पता चलेगा उस हिसाब से आपको जाना। आरोपी से मतलब पिछले रिकॉर्ड कुछ है ऐसा कुछ? अभी उसका पता किया जा रहा है, अगर कुछ होगा तो फिर उस हिसाब से कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।